होगा। निबंध याद करने के लिए खूब मेहनत मशक्कत भी की होगी, सब कुछ रटा और परीक्षा में लिखाए, अच्छे नंबर भी मिलते रहे। जो याद किया था और जो अब ये बच्चे याद कर रहे हैं वो अब शायद पीछे छूट रहा है, कहीं कहीं यकीनन। मेरे आंगन में वो रहती मीठा मीठा दूध देती, उसका दूध जो पीता है इतना सुंदर लगता है। जिस निबंध पर अच्छे नंबर मिले अब उनका नंबर ही कम हो रहा है। जी हाँ, गायों की संख्या लगातार घटती जा रही है। दुनिया में इस वक्त करीब 18 करोड़ गायें ही बची हैं, जिनकी तादाद भारत में करीब 8 करोड़ है। उससे भी कड़वा सच ये है कि इनकी तादाद वक्त के साथ और घटती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक महीने भर में ही 2 से 3 लाख गायें कत्ल खानों की भेंट चढ़ जाती हैं। अकेले दिल्ली शहर में अब सिर्फ 6,500 गाय ही बची है। कामधेनु के कत्ल की कहानी में सबसे बड़ा रोल गौ मांस के निर्यात के द्वार खोलने का भी रहा है। हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब गाय के खून से हाथ रंगने में हमारा स्थान सबसे ऊपर होगा। फिलहाल गाय के कत्लेआम में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। कृषि प्रधान भारत के लिए ये विडंबना ही है कि आज दूध दुहने के बाद 25% गाय आवारा ही छोड़ दी जाती है। गाय जिंदगी की जंग में पिछड़ती जा रही है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इसे बचाने के प्रयास नहीं हुए। प्रयास हुए, लेकिन ये प्रयास कभी जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाए। भारत में गौ हत्या रोकने को लेकर कई आंदोलन हुए, कई मुहिम चली। लोग इस चक्कर में जान भी गंवा चुके हैं तो कुछ आज भी झंडा थामे हुए हैं। अफसोस, कामयाबी आज भी हासिल नहीं हो पाई है। वजह कई हैं, कहीं ये सिर्फ राजनीति चमकाने का जरिया बन गया तो कहीं मुट्ठी भर लोगों के दिलों में दबा आक्रोश। कुछ संगठन मुहिम छेड़ते हैं, लेकिन रोज हजारों गाय काल के गाल में समा जाती हैं। इंसानियत को झकझोर देने वाली ये दास्तां लिखने वाले कहीं और से नहीं आते, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं आप और हम से ही जुड़ी हैं। इंसानियत की कीमत पर मुनाफे का ये धंधा करने वाले दरिंदे मुख्य रूप से तस्करी और चमड़े के कारोबार के जरिए पैसे कमाते हैं। वजह चाहे जो हो, सरकार गौ हत्या पर पाबंदी लगाने से गुरेज करती है। ये उस हिंदुस्तान पर करारा तमाचा है जहां गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। सरकार गौ हत्या रोकने में नाकाम है। देश में बड़े पैमाने पर गौ वंश की हत्या होती है और ये सब होता है गौ मांस और उसके अवशेषों के लिए, जिसे अब भारी मात्रा में विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो हर दिन 20,000 से ज्यादा गाय तस्करी के जरिए बांग्लादेश पहुंचती हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि देश में इनका कत्लेआम नहीं होता। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कत्लखानों में हर रोज हजारों की तादाद में गौकशी होती है। राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां गाय के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सबसे सख्त कानून बना है। कुछ ढिलाई के साथ कानून मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली समेत देश के 24 राज्यों में बने हुए हैं। अफसोस, बदकिस्मती परवान पर है, बात शर्म के समंदर में डूबोने वाली है कि पश्चिम बंगाल और केरल ऐसे राज्य हैं जहां गौ माता सिर्फ कहने भर को है, क्योंकि यहां ना गौकशी पर प्रतिबंध है और ना ही गौ मांस खाने पर। जिस राजस्थान में बिना अनुमति के गायों का परिवहन तक नहीं हो सकता है, वहां हर दिन बड़ी तादाद में कत्ल खानों तक पहुंच रही हैं, और वो भी मध्य प्रदेश और गुजरात के रास्ते। जो है आसाम, महाराष्ट्र और यूपी में, यूपी में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और राजस्थान के भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इलीगल तरीके से ये गायें काटी जा रही है। उनको बहुत ही ठूस ठूस के अंदर भरा जाता है, पशुओं को पूरी तरह से बांध दिया जाता है, उनके नस मार दी जाती है, उनको पीट पीट के उनके पैर तोड़ दिए जाते हैं, पैर वैर तोड़ करके उनको एक साथ उनको पैक करके रस्सी से बांध के और पूरा हिल नहीं सके एक तरह से बोरी के रूप में उनको बना करके, फिर उनको कम से कम आधे घंटे के अंदर अंदर वो 60-70 पशु एक गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं। ऊपर नीचे कुछ पशु उनमें से मर भी जाते हैं कई बार,
हाँ बेहोश भी, बेहोश तो सभी हो जाते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं कई बार उनको बेहोश करने के लिए ताकि आवाज ना करें, मुंह भी उनका बांधा जाता है और टूट फूट का तो उनका कुछ ध्यान रखा ही नहीं जाता, बिल्कुल निर्ममता से उनको अंदर फूस फूस के भर दिया जाता है। संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देने वाले हमारे राष्ट्र को शायद क्यूबा और ईरान से सीख लेने की दरकार है, जहाँ दारू पे गौ हत्या पर सख्त कानून बना है। सीख ब्राजील से भी ली जा सकती है, जहाँ 1967 से पहले तक एक भी गाय नहीं थी, लेकिन आज ये राष्ट्र दुनिया को गाय का महत्व बताते नहीं थक रहा। आदिकाल से ही हिंदू मान्यताओं में गाय को पूजने की बात कही गई है और लगातार समय के साथ साथ गाय की प्रासंगिकता साबित हुई है। आज विज्ञान भी गाय के महत्व को स्वीकार करता है। लंबे समय से गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग उठ रही है, अफसोस नतीजा सिर पर है। लेकिन ये बात जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे कि मुगल काल में गौ हत्या पर सख्त पाबंदी थी और दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान